मेरी तरफ से आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका परिवार, आपके बच्चे सदैव ऐसे खुश रहें, मस्त रहें और आप हमेशा होली अष्टमी का व्रत करती रहें। मैंने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, ये ऐसी साड़ी। अभी सब आने वाले हैं, फिर हम कथा कहेंगे। और पायल भी नहीं है आज सूट करने के लिए, तो देखते हैं आज मेरे ही घर में कथा होगी। कौन कौन आते हैं, वीडियो बनी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता के दिन मर जाता। एक दिन उसके पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हो ही साते के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी को छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम करके जाती है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, क्या मांग चीज क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख उससे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया, पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल से नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ पर दोनों को बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली, आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। शाहू माता बोली, मेरे सिर में जूं हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे तू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहू भलाई की है, तेरे 7 बेटे हो, 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं है। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली, वचन कुकोतु धोबी कुंड पर कंकरी हों, अगर वचन पूरा ना करूं तो धोबी के यहाँ कंकर बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे मिलेंगे, 7 बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 माड़िया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो वहां 7 बेटे बहू बैठे थे, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई माड़ी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। इधर उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर बोला कि चाची तो हो ही मांड रही है, दिन हो रहे हैं। फिर दोनों छुड़ा लाई। वह सब बोले कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो को
कोख बंधाई नहीं, लेकिन शव के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शव माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शव माता, जैसे सवकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा बढ़ते और मेरे और सबके सभी परिवारजनों की कोख खोली। शव माता की जय हो, होली अष्टमी माता की जय हो। आज इसका चलता सुरक्षा वो तारे को, जिसमें जो हुआ कुछ वो एक नए भगवान थे, वो जा रहे थे तो कोई उनके उधर से अपनी गाड़ी में धन भर के लेके आ रहा था। तो विनायक भगवान ने पूछा कि इसमें क्या है। वो डर गया कि भाई क्यों बताऊं, कभी चोर हो ये हो। तो उसने कह दिया मेरी में तो इसमें अन्य भर रहे, अन्य मतलब उपले भर रहे हैं। तो क्या लगे जाओ मेरी वाणी सफल हो और अब नहीं हो जा। तो वो आगे चल दिया तो उसे डर सा लग गया, कह रहे कभी गा सा फल कभी अन्न नहीं ना हो गए। खोल के देखता लगा उसमें सच्ची में अन्न हो गए। तो वो गया वहां, तो वहां पर टिल्ले पे बैठे थे। मैं कह लगे जी आपने मेरी गाड़ी में तो दन दौलत थी, तुमने तो आने कर दिए, इतने तो कहा था कि आने। कह रहे झूठ क्यों बोला, कि मैं तुम डर गया था कि कोई चोरी हो और कोई लूट ले। कह रहे तो मेरा कैसा होगा कि सवा धरती है तो उस पर बैठ कर विनायक भगवान का नाम लिए, तेरी गाड़ी में जो था वही हो जाए आपका। तो उसने ऐसा ही करा, उस टिल्ले के मई लीप के बैठ गया, विनायक भगवान का भजन कर, तेरी गाड़ी में जो था वही हो जाओ। तो उसने कहा तो उसकी भगवान ने सुनी और उसके आने से धन दौलत बन गए। तो जैसे विनायक भगवान ने सबकी सुनी ऐसे सबकी हमारी भी सुनी। तो इनके बड़ी हो गए अच्छी रखना, चाय पी लो। चाय ये तो मुझे बता तुम लोग खाना चुकती है इससे ये लो। आज मैंने ही कथा कही, वो आपने देख ही लिया, क्योंकि आज आंटी नहीं थी तो किताब में से पढ़नी थी तो मैंने ही पढ़ी है, क्योंकि आंटी ने को दिखाई नहीं दे रहा था और ये सब छोटी थी तो कहने लगे आप पढ़ दो। तो बस हमने इसी तरह सबने कथा कही, फिर यहीं बैठ के सबने चाय पी, उसके बाद सब अपने घर घर चले गए और मैं लग गई खाने पीने की तैयारी में। खाने में मैंने बनाया है पूड़े, पूरी, आलू गोभी की मटर की सब्जी और हलवा, यही बनता है। और दीदी को देती हूँ मैं मेरठ वाले को पूजा करके, तो उनका खाना भी मैं भिजवा देती हूँ। आज तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट डे जाएगा, लेकिन मैंने पूछ दिया। ये मैं दीदी के लिए साड़ी लेके आई हूँ, यही पूजी है मैंने उनके लिए। अब कलर उनको दिखा दिया था तो उन्होंने यही कलर कहा था, तो इसलिए यही कलर ले दिया है उनके लिए। और उनके लिए चूड़ियाँ भी ले दी हैं, चूड़ियाँ मैंने रेड कलर की ली हैं, वो अगर बाद में चेंज किया, मैंने कड़े लिए हैं कि एक एक भी डाल सकती हैं। और ये गोल्डन चूड़ियाँ ली हैं, ये ओरिजिनल गोल्ड की नहीं है, वैसी ही हैं, लेकिन मैंने दीदी से पूछा तो उन्हें चाहिए थी तो इसलिए मैंने ये वाली ली है उनके लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी भी होली अष्टमी बहुत अच्छे से मनी होगी। एक बार फिर आपको होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके लिए मंगलमय हो। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, राधे राधे।